हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त एकदम? पढ़ाई लिखाई चल रही है? बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया लेक्चर, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस एक नया फिनोमेना है, एक नए तरह का जादू आज होने वाला है। और इंडक्टर एक सर्किट एलिमेंट है, जैसे रेजिस्टर था, जैसे कैपेसिटर था, वैसे ही इंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ने हमको दिया कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी ने दिया रेजिस्टर, अब मैग्नेटिज्म भी तो कुछ देगा, तो मैग्नेटिज्म से मिलेगा इंडक्टर। अबाउट ये सारा डर सर जी समझ ही में नहीं आ रहा, एकदम सीक्वेंस में देखना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से स्टार्ट करो और तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सीक्वेंस में देखना, बहुत सारे लॉज हैं इसमें। चलिए शुरू करें इस लेक्चर को। तो यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो नोट्स निकालो, पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं इसको। तो हेडिंग लगाएंगे आज आप सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज लाइक सेल्फ मोटिवेशन। जब तुम्हें कोई और मोटिवेट ना करे तो खुद से मोटिवेट रहो, दुनिया तो नीचे ही दिखाती है, तुमसे ना होगा तुमसे होगा, यही सेल्फ इंडक्टेंस है। जरा एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है? एक्सपेरिमेंट लैब में होते हैं, है ना? लैब में तो जाके आप क्या करते हो, आग लगा देते हो पीछे जाके केमिस्ट्री लैब में, है ना? तो ऑब्जर्वेशन क्या देखी, फिजिक्स लैब है जहाँ का पेंडुलम आप तोड़ चुके हो, कि हमने यहाँ पे कॉइल लिया, ठीक है, सोलेनोइड जैसा कॉइल लिया, और इसमें हमने यहाँ पे करंट आई दौड़ाया इस कॉइल के अंदर का, इसका अपना करंट, ठीक है, इसका घरेलू करंट आई, घरेलू करंट। अब ये करंट अगर कॉन्स्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज ऑब्जर्व भी नहीं हुई, कोई फिनोमेना भी नहीं हुआ। पर अगर ये करंट वेरिएबल है, अगर ये करंट चेंजिंग है, अगर ये करंट समय के साथ बढ़ रहा है या समय के साथ घट रहा है, या समय के साथ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, इस केस में हमने देखा कि इस कॉइल के अंदर एक नया करंट आ गया जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। जरा देखो क्या कमाल का फिनोमेना है, इस कॉइल के अंदर एक करंट था, उस करंट के चेंज होने से इस कॉइल के अंदर एक और करंट आ गया। ये इंड्यूस्ड करंट इस कॉइल ने खुद ही से पैदा किया, खुद ही में पैदा किया, इसीलिए फिनोमेना का नाम पड़ा सेल्फ इंडक्टेंस। कोई बाहर से इंड्यूस करंट नहीं देगा तो क्या हम अपने अंदर चेंज ला के करंट को इंड्यूस करेंगे? कोई बाहर से हमें शक्ति नहीं देगा, मोटिवेशन नहीं देगा तो क्या हम अपने अंदर चेंज ला के खुद को मोटिवेट करेंगे? ऐसे इंड्यूस्ड करंट का नाम पड़ा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, खुद से बना है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। और इसके डायरेक्शन को लेके जो कंफ्यूजन है अभी हम दूर कर देते हैं, वैसे लेंज लॉ को फॉलो करेगा, जिस चेंज से ये बना है उस चेंज को ही अपोज करेगा, है ना? सन किल्स फादर, जिसकी वजह से ये बना है ये उसी चेंज को अपोज करेगा। अरे जिन प्रॉब्लम्स की वजह से तुम मोटिवेट हुए हो उन्हीं प्रॉब्लम्स को तो लाइफ में हटाओगे, सेल्फ मोटिवेशन से इस टॉपिक को जोड़ लो हमेशा याद रहे। जिन प्रॉब्लम्स की वजह से तुम मोटिवेट हुए हो उन्हीं प्रॉब्लम्स को तो लाइफ से हटाओगे, ये भी यही करेगा। ये पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, आओ देखो एग्जांपल नंबर वन, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो मान लो यहाँ पे जो प्राइमरी करंट है, इसको हम प्राइमरी करंट बोल देते हैं, मेन जो करंट है ये मान लो इंक्रीज कर रहा है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग, तो भाई चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट ने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, इसने कहा हम बढ़ रहे हैं, इसने कहा हम तुमको बढ़ने नहीं देंगे, तुम जो भी चेंज कर रहे हो वो होने नहीं देंगे। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताओ, इसको रोकना है बढ़ने से, बोलो इधर चलेगा कि इधर चलेगा, बताओ भाई। इधर चलेगा तो इसी के डायरेक्शन में, तब तो इसको सपोर्ट कर देगा और बढ़ा देगा, तो डेफिनेटली इसको इस टाइम अपोज करेगा, ये होगा आई इंड्यूस्ड का डायरेक्शन, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस अ ग्रोइंग करंट, ग्रोइंग करंट को अपोज करेगा। इसने कहा तुम क्या हम बढ़ रहे हैं, कहा ना ना बढ़ने नहीं देंगे, अपोज कर देंगे, जो भी चेंज हो रहा है जिस चेंज से हम पैदा हुए हैं उसी चेंज को अपोज करेंगे, लेंज लॉ। दूसरा केस देखिए जरा, कच 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 टां, ये करंट आई मान लो डिक्रीज कर रहा है, समय के साथ घट रहा है, इंड्यूस करंट आएगा। इसने बोला तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, बोला हम घट रहे हैं, ना ना चलो तुमको बढ़ा देंगे,
जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे यानी इसको सपोर्ट कर देंगे, लो तुम घट रहे हो तुम्हारे डायरेक्शन में, तुमको बढ़ा देंगे। जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को भैया अपोज करता है इंड्यूस्ड करंट, डाइंग करंट को सपोर्ट करता है, ग्रोइंग करंट को अपोज करता है। ये ग्रोइंग है ना, इसको अपोज किया, ये डाइंग डिक्रीज मर रहा है, इसको सपोर्ट किया। तो एक लाइन लिख लेना, इंड्यूस्ड करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट भी लिख सकते हो, इंड्यूस्ड करंट अपोजेस ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट्स डाइंग करंट। ये लाइन आप याद रखोगे तो काफी कुछ चीजें आपके लिए आसान होंगी, नोट करें। हाँ, अभी आपने ये नहीं बताया सर ये बना क्यों है, हुआ क्या है, है ना, इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ तो तब आता है जब फ्लक्स में चेंज होता है, सब बताएंगे, पहले इतना नोट कर लो बेसिक। जो अभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ ना, अभी तो ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर किसी कॉइल के अंदर करंट इंक्रीज करता है तो उस कॉइल के अंदर ही एक इंड्यूस करंट बनता है जो उस इंक्रीज को हटाना चाहता है, यानी उसको, और करंट डिक्रीज करता है तो भी इंड्यूस करंट जो उस डिक्रीज को हटाना चाहता है यानी उसको सपोर्ट कर देगा, चलो बढ़ जाओ, जो बढ़ रहा है उसको घटा दो, जो घट रहा है उसको बढ़ा दो। क्लियर है, नोट कर लिया, अपोजेस ग्रोइंग करंट एंड सपोर्ट्स डाइंग करंट। अब समझते हैं ये फिनोमेना हुआ क्यों, है ना, रीजन समझते हैं, आइए इसका रीजन समझते हैं, पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी अगर आपको फराडेज लॉ और लेंज लॉ दोनों चीजें क्लियर है, जो कि आपको क्लियर होना चाहिए, वरना यूट्यूब पर टाइप करें फराडेज लॉ एंड लेंज लॉ फिजिक्स वाला। हाँ, तो मान लो बच्चों यहाँ पे एक कॉइल है, एक सिंगल कॉइल लेते हैं, इस कॉइल में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज, इस कॉइल में एक आई करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, क्या इस आई करंट की वजह से यहाँ इस कॉइल के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? बिल्कुल, आई करंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब अंदर गया, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इस आई करंट ने एक मैग्नेटिक फील्ड बना रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यानी इस कॉइल में से कुछ फ्लक्स भी पास कर रहा है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास कर रहा है, यानी इस करंट की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इसमें कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड है। अब मान लो सडनली इस करंट को हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर दें, इस करंट को हम इंक्रीज करें, तो बच्चों करंट को इंक्रीज करोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं ये भी बढ़ जाएंगी। भाई ये तो आपको पता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है करंट की वजह से बनती है, करंट जितना ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा, अगर कॉइल का याद हो तो कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा था प्रोपोर्शनल टू आई आती है ना, क्या फॉर्मूला था, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई टू आई बाई ए, ये बनता है फॉर्मूला। तो आपको दिख रहा है कि कॉइल के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, तो आप करंट इंक्रीज करोगे तो क्या इंक्रीज किया आपने, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो क्या इंक्रीज होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। भाई फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए है। अब बच्चों फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो फराडेज लॉ लग जाएगा जो कहता है कि अगर किसी कॉइल से जुड़ा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज हुआ फराडेज लॉ लग गया और हमें क्या मिला, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बच्चों अगर ये कॉइल एक क्लोज्ड कॉइल है जो कि दिख रहा है बंद है, तो अगर इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तो एक करंट फ्लो करेगा, एंड हेंस वी गेट एन इंड्यूस्ड करंट। तो मेरे ख्याल से फिनोमेना आपको समझ में आ गया कि उसी कॉइल में एक करंट था, वो करंट इंक्रीज किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की, तो फ्लक्स इंक्रीज किया तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, उससे इंड्यूस्ड करंट बना। अब लेंज लॉ लगा दो, लेंज लॉ बोलता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्या करेगा, अपोज करेगा जिस कॉज से वो बना है, जिस कॉज से बना है उसको अपोज, किस कॉज से बना है, फ्लक्स के इंक्रीज करने से तो उसको डिक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने से उसको डिक्रीज करेगा, करंट के इंक्रीज करने से करंट को भी डिक्रीज, तो दिस इंड्यूस करंट क्या करेगा, दिस इंड्यूस करंट विल डिक्रीज प्राइमरी करंट, विल डिक्रीज प्राइमरी करंट, तो इसी को हम फिर से बनाते हैं। अब इंड्यूस करंट क्या करेगा, ये प्राइमरी करंट बढ़ रहा है तो उसको अपोज कर दिया, I induced. जरा ध्यान से देखो ये induced current कैसी magnetic field बनाएगा?
बाहर, क्यों? क्योंकि अंदर की बढ़ रही है, उसको अपोज करना है, दोनों बाहर की बढ़ रही है। फ्लक्स कहां का बढ़ रहा है? अंदर का। तो इसने कहा चलो हम बाहर का फ्लक्स बना देते हैं, उसको हम अपोज करेंगे जिस चेंज से हम बने। ये न्यूज करंट किस चेंज से बना है? फ्लक्स के बढ़ने से। तो इसने कहा हम ऐसा फ्लक्स बना देंगे जो उस फ्लक्स को डिक्रीज करे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर है? एंड हाउ सेल्फ इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड। अब इसी केस में आई अगर डिक्रीज कर रहा होता तो ये करंट उसको सपोर्ट करता, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होता अंदर का, तो कहता चलो उसको हम बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया फिनोमेना? चलिए अब थोड़ी बहुत हम इसमें फॉर्मूले वगैरह देखते हैं। मिटा ले जरा इसको, नोट कर लिया है, पॉज करके नोट कर लें। बहुत बढ़िया, ये इसके फॉर्मूले देखते हैं। हाँ, तो फॉर्मूले देखे जाए सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह के। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम बहुत ढेर सारे कॉइल्स ले लेते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कॉइल्स, ठीक है? कैसे भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ बना लो, कैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, ऐसे कॉइल्स हैं, मान लो किसी एक कॉइल से रिलेटेड जो फ्लक्स है वो फाई है। व्हाट इज फाई? फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन कॉइल। आई होप यू नो फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। एक कॉइल से जो फ्लक्स जुड़ा है वो फाई है, हमने कह दिया। मान लो इस कॉइल में n टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, तो बच्चों टोटल फ्लक्स phi t, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बताओ? n टाइम्स ऑफ phi हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं। एक से phi जुड़ा है, दो से दो phi, तीन से तीन phi, स्केलर क्वांटिटी होती है फ्लक्स, है ना? तो ठीक है, जोड़ दिए। अब एक बात समझो कि इस कॉइल में मान लो करंट i फ्लो कर रहा है, तभी तो फ्लक्स बनेगा। इस कॉइल में मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, ऐसी करंट की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। भाई करंट ऐसे गोल घूमेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गोल घूमेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड गोल घूमेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। कहीं भी इस कॉइल को यहां से देख लो, ऐसे देख लो, ए ऐसे, ये कॉइल को उठा के मैंने साइड में दिखा दिया, ठीक है? जब इसमें करंट फ्लो करेगा भैया, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो ये फाई टोटल है, ये जो phi total है, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और तभी फ्लक्स आएगा। तो ये जो phi total है बच्चों, क्या ये प्रोपोर्शनल होगा करंट के? सोचो, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा फ्लक्स। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, उतना ज्यादा फ्लक्स। वैसे करंट जितना स्ट्रांग होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होती जाएगी, फ्लक्स उतना बढ़ता जाएगा। तो हमने बोला phi total is proportional to i, और जब हमने ये proportionality का sign हटाया तो constant आया l, तो constant आया l। इस l को हम बोलते हैं coefficient of self inductance, coefficient of self inductance, coefficient of self inductance। यहां देखो phi total किसके बराबर है? n phi के। तो n phi is equals to l i, यहां से l की वैल्यू हो जाएगी n phi बराबर i, चाहे n phi लिखो चाहे total flux लिखो। इस l को हम बोलते हैं coefficient of self inductance। इसकी unit आप यहां से देख सकते हो, l की unit क्या आएगी जरा ध्यान से देखो, ऊपर क्या है? flux। फ्लक्स यूनिट होती है वेबर, नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट होगी नहीं। करंट यूनिट एम्पियर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर, ऐसा यूनिट। और इसी का एक नाम और दे दिया हेनरी, एच ई एन आर वाई, कैपिटल एच इसका सिंपल, हर्ट्ज नहीं है, कैपिटल एच और जेड होता है हर्ट्ज, और सिर्फ कैपिटल एच लिखा हो तो हेनरी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, कैपेसिटेंस की यूनिट फराड थी, उसी तरह से इसकी यूनिट। फिर समझते हैं, मान लो ये कॉइल है, इसमें करंट आई दौड़ रहा है। जब ये करंट आई इसमें दौड़ेगा तो क्या होगा? इसके हर एक कॉइल से करंट पास करेगा, करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी तो फ्लक्स। जितना ज्यादा करंट होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होगी और फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रांग उतनी लाइंस पास करेंगी,
और जितनी लाइन स्क्वायर करेंगी फ्लक्स उतना होगा। तो हमने कहा मान लेते किसी एक कॉइल से फ्लक्स जुड़ा है फाइ, तो सबसे टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा एन फाइ। फिर हमने कहा जो टोटल फ्लक्स है वो करंट पे प्रोपोर्शनल भी है, बिल्कुल ये प्राइमरी करंट है, इंड्यूस करंट नहीं है, प्राइमरी करंट, इस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर हमने कहा ये प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट आएगा L, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो हमने कहा फाई टोटल की जगह n फाई, L L इज इक्वल टू n फाई, वेबर पर एंपियर या हेनरी। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो L है वो देखने में तो लग रहा कि फाई पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर ऐसा है नहीं, पर ऐसा है नहीं। देखने में लग रहा है कि एल फाई पे प्रोपोर्शनल है, करंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पर ऐसा नहीं है। अरे ऐसे तो देखने में ये भी लगता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ऐसा थोड़ी ना है। वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000 kg/m³, ज्यादा पानी ले लोगे तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कम ले लोगे तो कम हो जाएगी, नहीं ना, मास पे डिपेंड नहीं करता ना ही वॉल्यूम पे। तो इसी तरह से ये एल भी देखने में लग रहा है कि फाई और आई पे डिपेंड करता, बट ऐसा है नहीं। एल इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन ज्योमेट्री, यानी एल डायमेंशंस शेप एंड साइज ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। अब उसको कॉइल बोल लो या इसी चीज को हम आगे इंडक्टर बोलने लगते हैं, सर रेजिस्टर बोलते थे ऐसे इसको हम इंडक्टर बोलते हैं। तो ये जो L है ध्यान देंगे इसके बारे में कहां लिखा जाए, कहां लिखा जाए, ऊपर कहीं लिख लें इसको बेटा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर यहीं लिख देते हैं L डिपेंड्स ओनली ऑन शेप एंड साइज ऑफ कॉइल, और ब्रैकेट में मैं इंडक्टर ले देता हूं, कॉइल वो ढेर सारे कॉइल हो, ठीक है। L does not depend upon phi and I, अरे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद करो, R is equals to delta V by I, पर रेजिस्टेंस ना ही डेल्टा V पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे, भाई रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता था R is equals to rho L by A, रेजिस्टिविटी पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ कंडक्टर पे, वो भी देखो डायमेंशंस पे डिपेंड करता था। ये इंडक्टर भी ऐसी चीज depends upon shape and size of coil, kaisa inductor use kiya is pe depend karega, clear hai bhai, change to ye dono honge na, current badhaoge to flux badhega, current badhaoge to flux, L will remain constant, clear hai, note kare apna। coefficient of self inductance, isko define karne ka ek aur tarika wo bhi samajhte hain, pehle itna note kare, coefficient of self inductance, ये याद रखेंगे आप, इसको हम आगे भी एक डेरिवेशन में भी यूज करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, नोट कर लिया, मिटा रहे, ओके। अब जरा देखो, अगर ये आई चेंज हो रहा होता तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बनता इसी कॉइल में, अगर ये I क्या हो रहा होता, चेंज हो रहा होता तो इसी कॉइल में जिसमें n टर्न्स थे, जिसके एक कॉइल के साथ फ्लक्स रिलेटेड phi था, इसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड EMF और एक इंड्यूस्ड करंट बनता, बनता कि नहीं बनता, बिल्कुल। तो वो इंड्यूस्ड EMF कितना होता जरा मुझे ये बताओ, अगर I चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड EMF होता by Faraday's law minus d phi total by dt, है ना, total flux है भाई, पूरे coil में बनेगा ना induced EMF, एक गोले की वजह से तो बनेगा नहीं, सबकी वजह से, इसलिए phi total, यहां से भी EMF, यहां से भी, सबको जोड़ के total EMF निकाल लें, कितना बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, due to change in flux, minus पता है Faraday's law में सबको पता होगा, हम बोलेंगे E is equals to minus D, अब जरा phi total की value बताओ, अभी मैंने आपको बताया था कि जो phi total है directly proportional है current के, जितना ज्यादा current उतनी ज्यादा magnetic field, उतना ज्यादा flux, और फिर मैंने बोला था कि phi total को आप लिख सकते हो Li, where L is a constant, depends upon the geometry of the material used, तो D L I by dt, यहां से L बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो E is equals to minus L di by dt, and this is the most important equation of today's lecture, आज के लेक्चर से सब कुछ भूल जाना, पर इसको मत भूलना,
equals to minus L di by dt. E is equals to minus L di by dt. अगर यहां से मैं L की वैल्यू निकालना चाहूं, इसको इस तरह से भी याद रखना, mod E is equals to L di by dt का mod. यार माइनस माइनस वाला खेल हम सब सिखा देंगे, डायरेक्शन डायरेक्शन होता है वो सब सीख जाओगे, बस फॉर्मूला याद रखो L di by dt. यहां से कई लोग इंडक्टर को डिफाइन भी करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस को, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस को ऐसे डिफाइन करते हैं, L is equals to E upon di by dt, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, L is equals to E upon mod di by dt, अब तो लिख सकते हैं, है ना. अब वो लोग उसी पे मॉड क्यों आया, क्योंकि वही तो चेंज है, है ना, या तो वो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा. प्लस में होगा मतलब करंट बढ़ रहा, ये चीज माइनस में हुई मतलब करंट घट रहा, di by dt प्लस में मतलब करंट बढ़ता जा रहा. क्या कहा जाता है, कहा जाता है अगर di by dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड हो, यानी जो चेंज इन करंट है वो 1 एम्पियर पर सेकंड है, 1 सेकंड में करंट 1 एम्पियर बढ़ रहा है या 1 करंट 1 एम्पियर घट रहा है di by dt की वैल्यू, उस केस में कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज हाउ यू डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, है ना. बोर्ड में सवाल आ जाएगा डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, बोरिंग सा सवाल, सेल्फ इंडक्टेंस तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? आप बोल देंगे जब किसी कॉइल में जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबान तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो अगर तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे प्यार होने लगे. तो देखो तुम्हारे दोस्त तुमको बहुत चढ़ाएंगे कि जाओ बोल दो प्यार हो गया, पर बोलना नहीं, क्योंकि तुम बोल के आओगे और लड़की पलट के बोल देगी और क्या और कुछ बोलना है कि नहीं. और फिर उस बात को लेके तुम्हारे दोस्त, आज तुम्हारी उम्र 17-18 साल है, विश्वास मानो उस बात को लेकर तुम्हारे दोस्त 26-27 साल तक तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे. मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे सबसे करीबी दोस्त के साथ ऐसा हुआ, लोग चढ़ाएंगे बोल दो तुम्हें प्यार होने लगे, बोलना नहीं दिल में दबा के रखो, ठीक है. अब हो सकता है लड़कियों के साथ भी ऐसा होता हो, तो मैं इतना लड़कियों की शुक्रिया नहीं. हाँ वापस तो डिफाइन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी. मैंने कहा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड है, अगर किसी कॉइल में करंट 1 सेकंड में 1 एम्पियर बढ़ रहा या 1 एम्पियर घट रहा, तो उस टाइम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ. दिस इज हाउ यू डिफाइन एल. इस टाइम पे कोफिशिएंट ऑफ ला 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 कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ. क्लियर, ये वाली डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट. फॉर्मूले दोनों है, दोनों इंपॉर्टेंट है. टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई, यहां से भी डिफाइन कर सकते थे आप, और यहां से भी ई इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. इसको समझने के लिए एक दो न्यूमेरिकल करें करें, फिर एल समझाएंगे एल क्या होता है. पहले एक दो न्यूमेरिकल कर लें इसको समझने के लिए, और न्यूमेरिकल करते हैं. छाप लो पहले इतना, बोलना नहीं, चढ़ाते हैं दोस्त, कोचिंग में पीछे बैठ के स्कूल के पीछे वाली सीट बैठ के चढ़ा देते हैं, बात हो मत पसना. वो तुमको ऐसे चढ़ाएंगे कि जिंदगी एक बार मिली है, बातें भी बोलेंगे और प्यार दिल में नहीं रखना चाहिए, क्या पता हुआ तुमको आगे जिंदगी में कहीं मिले ना मिले, और बोल दो कम से कम तुम्हें ये तो लगेगा कि तुमने अपने मन की बात. सब फालतू बात है, जिंदगी भर वो तुम्हारा सिर्फ मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो बातों में मत फंसना, बिठा दे. चलो बहुत, मेरा एक दोस्त था उसके साथ ये हुआ था, जीवन बर्बाद हो गया उसका, आज तक मजाक उड़ाते हैं. नाउ ऑल्दो ही इज डूइंग वेरी गुड करियर वाइज इन हिज लाइफ, है ना, बट स्टिल. हां तो वापस आते हैं टॉपिक पे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ई इज इक्वल्स टू, अच्छा वापस आ जाओ, हां सीरियस, तो ई इज इक्वल्स टू, मजाक खत्म भाई, माइनस एल डी आई बाय डी टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला. नाउ लेट अस वर्क इट आउट इन सम क्वेश्चन. मान लो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, मान लो मेरे पास यहां पे एक इंडक्टर है, डंग 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 डंग, और इस इंडक्टर में मान लो यहां से कुछ करंट आई आ रहा है, ठीक है, कोई करंट आई आ रहा है, और हमसे बोलता है इस इंडक्टर का जो L है वो मान लो हमसे बोल दिया 2H, 2 हेनरी इसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की ओम होती है इसकी हेनरी, चिल्लो 2 हेनरी है, और मान लो हमसे बोल देता है di by dt is 4 एंपियर पर सेकंड,
4 एम्पीयर पर सेकंड। हमसे कहता है फाइंड फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड VA माइनस VB। ज़्यादा ध्यान दो, एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B। आओ, ये एक सवाल करेंगे इस तरीके, दो तीन बढ़िया कंसेप्ट अपना तैयार हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, बहुत हलवा है। E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, माइनस माइनस लगाना अभी छोड़ दो, पहले आओ वैल्यू तो निकाल। एल की वैल्यू कितनी है 2, डी आई बाई डी टी कितना है 4, 2 चौके 8 किसमें आएगा वोल्ट में, यानी 8 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा और उससे कोई इंड्यूस करंट बनेगा। चलो भाई ये तो समझ में आया, 8 वोल्ट का ईएमएफ ये बनाएगा, क्या ये कॉइल एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा? बिल्कुल करेगा, ईएमएफ बना रहा है। तो जरा इसी को रीड्रॉ करते हैं, अब ध्यान देना यहीं पे सारा खेल है। इसको मैं रीड्रॉ करता हूं, कॉइल को थोड़ा हल्का बना लेता हूं, ठीक है, थोड़ा हल्का बना दिया। अब मैं इस कॉइल की जगह यहां पे एक बैटरी लगाने की कोशिश करूंगा। बैटरी कैसे लगनी, बात यही है, ये करंट I इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज? ध्यान दो, di / dt पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब करंट समय के साथ बढ़ रहा है, 4 एम्पीयर पर सेकंड बढ़ रहा है, यानी दिस करंट इज इंक्रीजिंग, लिख के नहीं देगा, di / dt समझना पड़ेगा, ये नेगेटिव होता तो डिक्रीज करता, di चेंज इन करंट अपॉन कितना चेंज हो रहा है 4, हर सेकंड में 4 बढ़ रहा है, तो ये करंट इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट इसको अपोज करेगा, अपोजेस अ ग्रोइंग करंट, तो क्या इंड्यूस्ड करंट के लिए ऐसी बैटरी बना ले? बोलो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तभी तो ये इंड्यूस्ड करंट पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे निकल के अपोज करेगा, बोलो, और ये मेन करंट, बैटरी का ईएमएफ बोलो, बैटरी का ईएमएफ बोलो। अब आपसे पूछा क्या था, VA माइनस VB पूछा था शायद, ए और बी में से हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए है, देखो ए के पास पॉजिटिव है, बी के पास नेगेटिव, तो बड़ा आसान हो गया, वीए माइनस वीबी भी 8 वोल्ट होगा। अब यही कहीं ए की तरफ नेगेटिव होता बी की तरफ पॉजिटिव, तो माइनस 8 आंसर है, नहीं समझे भाई, ए के पास पॉजिटिव टर्मिनल है ना, क्लियर, वीए माइनस वीबी इज 8 वोल्ट, नोट कर लिया, आया समझ में आया, कितना इंड्यूस करंट है सर, अब ये नहीं बता सकते, रेजिस्टेंस नहीं दिया ना, करंट तो तभी निकल सकता है, ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस चेक करें, मिटा रहे हैं, एक और सवाल करते हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस एल बाय डी आई बाय डी टी में तुमको माइनस की कोई जरूरत नहीं, तुम बस एल डी आई बाय डी टी समझ लो, खेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ मान लो पी, यहाँ मान लो क्यू, यहाँ मान लो एक करंट आई आ रहा, यहाँ मान लो हमको L की वैल्यू दे दी 5 हेनरी और मान लो हमको di / dt की वैल्यू दे दी -2 एम्पीयर पर सेकंड। देखो ऐसे ही बताएगा, फाइंड 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 फाइंड, क्या फाइंड करोगे, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड Vp - Vq, भाई फैमिलियर हो जाओ, रेजिस्टेंस के साथ सवाल किए थे इस तरह के, कैपेसिटर के साथ निकाला था पोटेंशियल डिफरेंस, अब इंडक्टर के साथ निकालो, ये इंडक्टर है और फील दिलाएंगे, एक सवाल और कर लो यार, चलो यार कुछ करके दिखाओ सर, आंसर तो 10 है, हाँ तो 10 कैसे है, प्लस की माइनस, 10 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट माइनस, पॉज करके अपना आंसर बताओ, चलो देखते हैं, E is equals to L di by dt, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लें, L की वैल्यू कितनी है 5, di by dt कितना है 2, 5 दूनी 10 वोल्ट, आओ करंट उधर से आ रहा है ध्यान देना, करंट इधर से आ रहा है, इस पर ये कैसा करंट है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, di / dt नेगेटिव है, इसका मतलब करंट कैसा है, डिक्रीजिंग, di / dt नेगेटिव मतलब चेंज इन करंट नेगेटिव है, करंट डिक्रीज कर रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट क्या चाहेगा, इसको सपोर्ट करना, supports a dying current opposes a growing current, support करने के लिए current इसको इसी direction में flow कराना है, यानी फिर से ये positive और ये negative, ये positive और ये negative, कितना 10 volt,
P और Q में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है? P का, P की तरफ पॉजिटिव है, Q की तरफ नेगेटिव। बहुत आसान, VP माइनस VQ इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। बोलो क्लियर? बोलो क्लियर है? VP माइनस VQ इज 10 वोल्ट। आ गया? मिटा लें? ओके। एक सवाल और देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। मान लो ये P, मान लो ये Q, मान लो ये करंट I यहां से आ रहा है, L की वैल्यू मान लो 2 हेनरी, di by dt is equals to मान लो minus 2 ampere per second, find VP माइनस VQ। जल्दी से, चार आएगा माइनस चार की प्लस चार। चलो P, Q, करंट I आ रहा, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्यों डिक्रीजिंग, ये नेगेटिव है, डिक्रीजिंग तो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बोलो यही होगा। ये करंट क्या कर रहा है? डिक्रीज, तो इसको सपोर्ट करना है, यानी इंड्यूस करंट ऐसे निकलना चाहिए इसके साथ। इंड्यूस करंट कहां से निकलेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये कॉइल क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। कितना आएगा ईएमएफ बैटरी का? E is equals to L di by dt, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। L की वैल्यू 2, di by dt की वैल्यू 2, 2 दुनी 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट की बैटरी बन गई है। इस बार देखो P नेगेटिव हो गया, Q पॉजिटिव बोला है, हमने कहा करंट डिक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा था उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तब करंट इसी के साथ निकले इंड्यूस, आई 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 इंड्यूस। अब इस बार देखो आप क्या लिखोगे, VP माइनस VQ इज माइनस 4 वोल्ट। भाई ध्यान से देखो, इस बार क्या है, VQ इज ग्रेटर देन VP। तो VP माइनस VQ विल बी माइनस 4 वोल्ट। सर कैसे करेंगे, बार बार इतना लंबा, देखो कुछ लंबा करने की जरूरत नहीं है, इसका मेथड बता रहे कैसे करना है। अभी समझ में आया है कि नहीं, कि मतलब कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है। पहले मैंने कहा E निकाल लो L di by dt से, तो मैंने कहा ठीक है L into di by dt, दो दुनी 4 वोल्ट, ठीक है। फिर मैंने कहा ये करंट देखो डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग, तो हमने कहा di by dt नेगेटिव है, मतलब करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो उसको सपोर्ट करने की जैसी बैटरी बनाओ, तो मैंने इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव था, करंट जैसे निकल के इसको सपोर्ट करे। फिर मैंने कहा देखो पॉजिटिव Q की तरफ है, यानी Q का पोटेंशियल ज्यादा, P का कम, यानी VP माइनस VQ तो नेगेटिव आना चाहिए, तो VP माइनस VQ माइनस 4 आया। मैं इसको करने का शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये सब कुछ सोचना उचना नहीं पड़ेगा, आसानी से समझो। नोट कर लिया है, मिटा है? अब देखो करने का तरीका, सबने किरचॉफ लॉ पढ़ा था, लूप लेते हैं, लूप के डायरेक्शन पाथ लेते हैं, पाथ के डायरेक्शन में चलते हैं, पढ़ा ये सब चीजें, वही लॉ लगाना है। करंट के डायरेक्शन मूव करो, मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में मूव करते जाओ, जैसे ये है, एंड टेक एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी विथ साइन, विथ साइन। जरा समझो, अगर यहां पे मैं ऐसे एक पाथ बना लूं, और जितने लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी ढंग से पढ़ा उनको ये चीज समझ में आएगी, अगर मैं ये पाथ बना लूं यहां से स्टार्ट करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं VP माइनस, इसके लिए क्या यूज करना है, L di by dt, अरे रेजिस्टेंस ले नहीं सकते थे, V माइनस IR लिखते थे जब पाथ में चलते थे, माइनस L di by dt, और चलते वक्त कहां पहुंच गए, Q पे, तो इज इक्वल टू VQ हो सकता है, VP से चले यहां तक गए, तो VP माइनस LDI by DT किया तो VQ आ गया। LDI by DT with sign लेना है, समझाते हैं इसका मतलब, VP माइनस VQ is equals to LDI by DT with sign, यहां तक समझ आया, जो जिस देखो जिधर करंट चल रहा हो उसी डायरेक्शन में पाथ ले लो पहले अपने आप, ठीक है, करंट डायरेक्शन में पाथ ले लो जानबूझ के, है ना, मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले वाले को लिखा VP माइनस इसके लिए LDI by DT is equals to VQ। अब L di by dt को with sign रखो, L की वैल्यू कितनी है 2, और di by dt को with sign रखो, with sign मतलब माइनस 2, माइनस 4।
अगर ये मेथड लगा दोगे तो तुमको कोई जरूरत नहीं है पूरा ई निकाल के या बैटरी बना के करने की। नोट करो। हाँ मुझे पता है कंफ्यूजन है, करंट के डायरेक्शन में चलो एक तरफ को वी ए ले लो उसमें माइनस एल डी आई बाई डी टी और डी आई बाई डी टी को विद साइन रखो, करंट बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव, घट रहा है तो नेगेटिव, हमेशा माइनस एल डी आई बाई डी टी हमेशा, और इज इक्वल टू दूसरा टर्मिनल लिख दो, मिटा रहे। चलो एक सवाल करके दिखाओ, मान लो ये इंडक्टर है, ये L is equals to मान लो 3 हेनरी है, di by dt is equals to मान लो 3 एम्पियर पर सेकंड है, और मान लो करंट यहाँ P, यहाँ पे Q है इस बार, और नहीं चलो यहाँ मान लो डिंग 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 डार ए डार, यहाँ A है और यहाँ मान लो B है, और करंट मान लो यहाँ से जा रहा, find VA minus VB without drawing the battery, without drawing the battery, find VA minus VB. Find VA minus VB without drawing the battery. चलो जिस तरह से करंट आ रहा है उसे स्टार्ट करें, यहां से पाथ बना लो, ये हो गई पाथ, अब यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करोगे लिखोगे VB minus LDI by DT is equals to VA, लिख सकते हैं, यहां से चले minus LDI by DT is equals to VA, यहां से VB minus VA is equals to LDI by DT with sign, di by dt कैसा है इस time, positive है, तो L की value कितनी है 3, di by dt कितना है 3, तिके 9 volt, तो VB minus VA is 9 volt, तो VA minus VB will be minus 9 volt, खत्म, बोलो आ गया, जिधर current है उधर से चलो, पहले वाले को VB लिख लो, minus L di by dt is equals to VA, और di by dt देखो, clear है, कितना आ रहा answer अपना, 9 volt, note करें इसको, इसके बाद पढ़ते हैं coefficient of self inductance for a long solenoid. चलिए छाप लिया इसको भाई, आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, चीज आ गई आपको एलडीआई बाय डीटी यूज करना। देखो ये इसलिए बता रहे थे ना कि ये भी एक सर्किट एलिमेंट है, इसको भी उतना ही भाव देना है जितना रेजिस्टर के पैसे को दिया, दिया नहीं क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, उसी के लेवल का आदमी है, आदमी नहीं है सर एलिमेंट। हाँ ठीक है, जैसे मान लो रेजिस्टर होता था अपना, ठीक है रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के लिए अपन क्या यूज करते थे, सिंबल ये बनाते थे, कचर 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 लिखते थे आर, और इसके लिए ओम्स लॉ लगाते थे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आईआर। फिर हमारे जीवन में कैपेसिटर आ गया क्लास 12th में, ठीक है वहां फिर सर जीवन तबाह हो गया, कैपेसिटर का सिंबल ऐसे बनता था, सी यूज करते थे, इसके लिए हम क्या लिख सकते थे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्यू बराबर सी। इसके बाद आज हमारे जीवन में इंडक्टर आ गया, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, टिंग टिंग टिंग, सिंबल है L और इसके लिए आप लिखोगे डेल्टा V is equals to minus L di by dt। देखो सबके अपने अपने तरीके हैं पोटेंशियल डिफरेंस देने के। अब लग रहा है फील आ रहा है, अभी अगले चैप्टर में आने वाला है LCR सर्किट, LCR सर्किट AC में सब आएगा। चलो निकालते हैं coefficient of self inductance for a long solenoid, ये अपने सिलेबस में भी है, coefficient of self inductance, coefficient of self inductance for a long solenoid, अपने सिलेबस में long solenoid ही है ना, जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ की कंपैरिजन में बहुत 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 ज्यादा हो, ताकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके सेंटर से पास करे और एक्सिस के पैरेलल हो, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए, मैं ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की जो वैल्यू है, जो एल की वैल्यू, वो किस पर डिपेंड करनी चाहिए, फ्लक्स पे, करंट पे, ईएमएफ पे, शेप और साइज पे, है ना। तो मान लो हम यहाँ पे एक लॉन्ग सोलेनोइड बना लेते हैं, हमने लॉन्ग सोलेनोइड बना लिया, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं एल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं कैपिटल एन, कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अज्यूम कर लेते हैं इसमें करंट आई है, जबकि लास्ट फॉर्मूले में करंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एल करंट पे डिपेंड नहीं करता, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं, सिर्फ डायमेंशंस पे डिपेंड करता, ठीक है। और इन जो कॉइल्स हैं, इन कॉइल्स का रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर, किसी एक को उठा लेते हैं, इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल आर, रेडियस ऑफ ईच कॉइल, ठीक है, जिसमें कॉइल्स लगे हैं
उनका रेडियस कैपिटल आर। अच्छा, इतनी इंफॉर्मेशन से हम ये भी पता कर सकते हैं कि स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी। स्मॉल एन याद है क्या आपको? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है सोलेनोइड में इसका इंपॉर्टेंस था, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। अच्छा चलो, अब अगर इसमें आई करंट आ रहा है तो इस सोलेनोइड की एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होती थी, एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बनती थी ना सोलेनोइड में, सब तो पता होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी सोलेनोइड केस में, लॉन्ग सोलेनोइड में, म्यू नॉट एन आई। एज इफेक्ट को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं कि एज पे हाफ हो जाती है, सब इग्नोर करके सेंटर पे लॉन्ग सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताओ फ्लक्स विथ ईच कॉइल कितना होगा, भाई फ्लक्स कितना होता है, बी डॉट ए, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, इसका एरिया वेक्टर भी इसी के डायरेक्शन में, यानी इनके बीच में एंगल जीरो हो गया, तो बी ए कॉस जीरो, तो बी ए कॉस जीरो से आंसर आ गया बी इंटू ए। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई फ्लक्स विथ ईच कॉइल, म्यू नॉट एन आई, और एरिया ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा पाई आर। अब मुझे बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स को हम बोलते हैं फाइ टी, फाइ टोटल कितना हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ फाइ, भाई एक टर्न के साथ फ्लक्स एसोसिएटेड फाई माना, कैसे निकला बी डॉट ए से, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई एरिया पाई आर स्क्वायर, सबके साथ कितना हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ फाई, सो इट विल बी एन टाइम्स ऑफ म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। अब दो में से कोई एक एन रखो, है ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं, तो कैपिटल एन को हम हटा रहे हैं, कैपिटल एन को हम लिख सकते हैं एन टाइम्स ऑफ एल, लिख सकते हैं, सो कैपिटल एन की वैल्यू पुट करेंगे एन टाइम्स ऑफ एल, तो एन टाइम्स ऑफ एल into flux की value mu not n i pi r square, ये हुआ total flux, ठीक है, this is total flux, so total flux phi total comes out to be, ध्यान देना कैसे लिखेंगे, mu not n square pi r square l into i, ऐसे लिख सकते हैं mu not n square pi r square l into। अच्छा, अब हमने इतनी देर से जो पढ़ा सर्किल इंडक्टर्स की कहानी वगैरह जितनी भी पढ़ी, तो हमें समझ में आया कि जो टोटल फ्लक्स है उसको हम लिख सकते हैं L टाइम्स ऑफ I, मैंने कहा था इसको याद कर रखना, यूज करेंगे। टोटल फ्लक्स क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शन, अरे यार कितनी बार बता रहा, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, तो टोटल फ्लक्स को क्या बोल सकते हैं एल आई। यहां से हम टोटल फ्लक्स की जगह एल आई पुट करेंगे इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल इनटू आई, से आई मर गया ये एल की वैल्यू। ध्यान से देखो L किस पे डिपेंड किया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, रेडियस पे, लेंथ पे, मैंने बोला था ना डायमेंशंस कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री पे डिपेंड करता, करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। एक बार बन गया कॉइल उसका इंडक्टेंस फिक्स्ड, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फिक्स्ड, जैसे एक बार रेजिस्टर बन गया तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड, टेंपरेचर चेंज होता था पर वोल्टेज और करंट से चेंज। So, L की वैल्यू हमें फाइनली मिल गई, कहाँ लिखी जाए, कहाँ लिखी जाए, कहाँ लिखी जाए, डब्बा बना के, अरे डब्बा बना के कहाँ लिखें इसको, हम यहाँ लिखें, यहीं आया था डब्बा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड, यहाँ लिख लेते हैं डब्बा बना के लिखेंगे रे, L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, कई किताब में इस पाई आर स्क्वायर एल को लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ध्यान देखो अगर इस सॉलिड को एक सिलेंडर की तरह देखा जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर इनटू एल, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया इनटू लेंथ इसका हाइट हो गया, है ना, एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम पे लिख सकते हैं। कई लोग उसको कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना पसंद करते हैं, तो कोई नहीं, तो एन इज इक्वल्स टू एन बाय एल लिख दोगे तो कैपिटल एन स्क्वायर नीचे एल स्क्वायर आ जाएगा, एक एल कैंसिल हो जाएगा, जिस तरह भी लिखा हो, है ना, कई लोग इसका फॉर्मूला ये लिखे होंगे कई किताबों में, तो म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर और नीचे एल स्क्वायर आएगा, एक एल कैंसिल होगा डिवाइड बाय, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक, क्लियर है। और हो सकता है यहाँ पे वी लिखा हो, वी मतलब इसका, तो देख लिया आपने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ओनली अपॉन द शेप साइज एंड हाउ द ज्योमेट्री इज। So, ये थी इंडक्टर की कुछ छोटी मोटी बातें, अभी इंडक्टर पे और भी बातें करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।